उसने बोला हेलो सामने जेब। चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ों को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मुझे याद है जब मैं जिस जमाने में मॉर्निंग शो किया करता था, तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता था तो मैं एक सूरह की तिलावत जो है वो करता रहता था, उसे पढ़ता रहता था, क्योंकि इज्जत देने वाला जो है वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। और मेरी अम्मी हमेशा मुझसे एक बात कहती हैं कि देखो बेटा तुम टेलीविज़न पर तो आए हो, अब तुम ये दुआ करो कि जैसे तुम कहते हो वैसे ही तुम्हें लोग समझें और वैसे ही तुम नज़र आने लगो लोगों को। आई जस्ट रियली रियली होप कि ये हमारा जो एक हफ्ता गुजरेगा ये बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत मज़े का गुजरेगा। लेकिन आगाज़ है खुदाए बुजुर्ग बरतर के पाक नाम से। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। मनानस है शुरू कर सकते हैं। नजर भी रखे भी जो खाना है शऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कैसी हैं साथी आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज उठो जागो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात मुझसे हो रही है। जी आज फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की और आपसे ही बात हो रही है। ओके वेल दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं, क्या टीच करती हैं आप? मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट टीच करती हूँ। वाओ कंप्यूटर सब्जेक्ट टीच करती हैं, तो क्या आज क्या कहना चाहती हैं? कोई मैसेज देना चाहती हैं, कुछ हेलो कहना चाहती हैं, हाय कहना चाहती हैं, बाय कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? मैं अपनी सब फैमिली को हाय कहना चाहती हूँ, मुल्तानी मेरी सिस्टर रहती हैं उनको। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यस प्लीज, अपनी फैमिली को लेकर आएंगे अभी। अपनी क्या? फैमिली को लेकर आएंगे अभी होने है। कौन सी वाली फैमिली को? मेरी एक्चुअली तीन फैमिलीज हैं। मतलब आपकी सिस्टर्स वगैरह तो आती है ना, उसके अलावा आपकी मिसेज वगैरह। एक सिस्टर है मेरी। सिस्टर तो है शायस्ता आपकी। ठीक है, अपनी फैमिली, मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊँ।
सही है। और वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं शो में, और आप भी मॉर्निंग शो करें। मैं भी मॉर्निंग शो करूं? यस प्लीज। जियो वालों को बता दीजिए, वालों को बता दीजिए प्लीज मुझसे क्या मैं ही, अरे शायस्ता मारेगी मुझे सच में। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, लेट इट डू दिस। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे कहा है कि मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँ, अपनी वाइफ को लेके आऊँ। देखिए, एक मेरी बेगम है तो वो आ चुकी हैं शो के अंदर, तो अब जब दूसरी वाली होंगी तो फिर उनको जरूर लेके आऊँगा। सो यू नो, फिर मुसलमान साहब लोगों के चेहरे यहाँ आ चुके, बेसिकली मर्द जो है वो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, सबके चेहरे खिल गए हैं और सब लोग मुझसे कह रहे हैं ए बहादुर आदमी, आफरीन है आदमी, हाशमी हाशमी, इसी तरह से आज नारे लग रहे हैं, एक बहादुर आदमी। ये जो बात हम नहीं कह सके वो आपने कह दी। सो जब दूसरी होगी तो इंशाल्लाह फिर मिलवाऊंगा मैं आपको। मजाक कर रहा हूँ प्लीज, खुदा का वास्ता बुरा मत, इतना ही बहादुर हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं हूँ। ओके मनान, सो कहा हो यू, कैसे हो तुम? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या हो रहा है आजकल? बस म्यूजिक में लगे हुए। यार म्यूजिक में लगे हुए ना, तुमने तुमने कोक स्टूडियोज के अंदर भी गाया ना? जी हाँ। एक तुम कैसे गा सकते हो? मैं भी तुम्हारी तरह से गा सकता हूँ। तुम कोई गाना बताओ जो पहले तुम गाओ फिर मैं गाऊंगा। कोई भी एक गाना गाइए। कौन सा गाना? कौन सा बताइए गाना? कोई भी गाना बताइए। गाना हाँ हाँ, एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग ऑफ नुसरत फतेह अली। को मुश्किल सा बताना, बिकॉज मैं बहुत बहुत मुश्किल गाता हूँ बाकी। या ये लोग बजा ही नहीं सकते, मैं जिस पे गाता हूँ ये कोशिश, ये डरते हैं आपसे। बहुत डरते हैं, बहुत सब लोग मुझसे डरते हैं। आप मुझे प्लीज गाना बताइए। गाना जो आपको अच्छा लगे, आप ऐसे अच्छा गाते हैं, मैंने आपको सुना है। छोड़ दो मनान, छोड़ दो, खामा खा की बातें मत करो, सच्ची बता, खामा खा की बातें मत करो। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज डायल मी अप 02132600135, आई थिंक दैट्स द नंबर, 153, सॉरी 02132600153। अगर आप मुझे इंटरनेशनली कॉल कर रहे हैं 09221 3261001। लो इसके अंदर तो वैसे ही लगा देता हूँ। आसमा जुल्फकार को मुल्तान, अस्सलाम वालेकुम आसमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? आई डोंट नो, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा देख के आप शो में आए हुए हैं। अरे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बहुत अच्छा कहा आपने, मैं शो में आया हुआ हूँ बिकॉज एक हफ्ते के लिए आया हुआ हूँ, एक हफ्ते के बाद मैं चला जाऊंगा एंड ऑफकोर्स शायस्ता दोबारा वापस आ जाएंगे। चले ठीक है, लेकिन ये कि ऐसा नहीं हो सकता परमानेंट बेसिस पे भी आप करें। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शायस्ता इतना मारेंगी मुझे, इतना मारेंगी, ये आपकी सोच है। नहीं प्लीज, नहीं हो सकता। ये तो सही कह रहे हैं आप। चले जी न्यूज से करना शुरू कर देना आप मॉर्निंग शो। हाँ ये हो सकता है, लेकिन आई थिंक वहाँ ऑलरेडी कोई एक प्रोग्राम बन रहा है और आप बहुत जल्दी जियो न्यूज़ पे भी एक मॉर्निंग शो देखेंगे जो बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और बहुत पसंद आएगा आपको। अरे आप मेरा लेट नाइट शो देखे ना, वो शो कैसा लगता है आपको? वो शो तो ऑब्वियसली अच्छा है, वो तो देखते ही है हम, रात को तो आपका शो देखते ही है, रेडियो भी सुनते हैं, आपको मालूम है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक आसमा, बिल्कुल ठीक। जुल्फकार जो है यहाँ बैठे और आपको वेव कर रहे हैं। मैं भी वेव कर रहा हूँ। जुल्फकार कैसे हो तुम? ठीक ठाक। आपका वो जो बहादुर आदमी वाला मशहूर है ना, वो कह रहे हैं मैं भी अप्लाई करके देखूंगा। देखिए आप जुल्फकार को इजाजत दे दीजिए, वो एक बहुत अच्छे आदमी है और अच्छा आदमी और शादी एक बहुत अच्छा फरीजा होता है, अच्छे आदमी को ये फरीजा चार मरतबा अदा करना चाहिए। जी जी जरूर। जो कहना चाहती है कह लीजिए। एक्चुअली मर्द बेसिकली मर्द बेसिकली बहुत ढीठ होता है, तो आप उसे जो कुछ भी कहेंगी उसकी समझ में कभी भी कुछ नहीं आना। हाँ बस आपकी जो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना इस टॉपिक पे जुल्फकार से, वो इंक्रीज हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। एक्चुअली मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया के मर्दों से इस टॉपिक पे, तो बस खुश कर देता है ना आपने सारे मर्दों को ये बात कह। मैं मजाक कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फकार को मेरा बहुत 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 सारा सलाम और बच्चों को बहुत प्यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर कौन सा गाना? जो आपका दिल चाहे। अरे यार कुछ देखिए, मैं कॉलर्स को कह दूंगा वो आपको फरमाइश करते रहेंगे बार बार। अच्छा जी आप फिर मत कहिएगा। फिर मत कहिएगा कि फंसा दिया। देखो मुझे तीन चार गाने आते हैं जो बहुत बुरे गाता हूँ, बुरे गाता हूँ, तो सोचो कि कितने बुरे गाने गाता हूँ मैं, क्योंकि एक्टिंग मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल काम है। एक्टिंग ज्यादा मुश्किल काम, एक्टिंग ज्यादा मुश्किल काम है, तो मैं एक्टिंग कब कर रहा हूँ? आप एक्ट भी करते हैं माशाल्लाह, और एंकर तो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से, और तारीफें करो मेरी। और नहीं ये फैक्ट्स हैं, मुझे कोई मॉर्निंग शो मिल सके और तारीफें करो प्लीज, आई वांट टू डू अ मॉर्निंग शो। सिंगिंग वाली बात जहां तक है वो मैंने आपको एक दफा सुना था जानजेब भाई के घर पर। अच्छा थोड़ा सा आपने गाया था? गाया था।
अच्छा, और उसके बाद तुमने उसके हिम्मत नहीं हुई ना, इत्तफाक नहीं हुआ। हाँ, आप देखिएगा, आप लोग, ये लोग बजा नहीं सकेंगे, मैं एक गाना गा रहा हूँ, ये लोग बजा नहीं सकेंगे। अगर आपको म्यूजिक की आवाज आ जाए, अगर आ जाए म्यूजिक की आवाज, इनफैक्ट आज एक्चुअली आज सुबह सुबह जब मैंने टेलीविजन खोला तो मुझे मुनीर नियाजी साहब नजर आए, तो मुझे कुछ याद आ गया मुनीर नियाजी साहब का। पहले मैं आपको वो साथ साथ मंसूर जो हैं, मोइन अख्तर साहब के साहबजादे जो हैं, वो भी हमारे शो पे आने वाले हैं, सब मिलके बैठेंगे, बहुत गपशप लगेगी, केक भी मिल रहा है। अगर आपको केक खाना है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको केक का एक पीस, एक स्लाइस भिजवा सकता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं भिजवाऊंगा। आप जहां पर भी होंगे मुझे कॉल कीजिए, अगर आपकी कॉल मुझे बहुत पसंद आई तो मैं केक का एक स्लाइस आपको जरूर भिजवाऊंगा। कमल फ्रॉम कराची, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम कमल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कमल, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने आपको प्रोग्राम में देखा, फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है। ओके, बहुत खुश हुई आपको काफी दिनों बाद देखकर मॉर्निंग शो में। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और आपकी टीम से कि आप ही मॉर्निंग शो करें। अच्छा जी, ये यहाँ पर शाइस्ता की टीम के लोग खड़े हैं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि ये लोग मुझे कल आने ना दें यहाँ पे? नहीं सीरियसली, मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम कॉल की है, बाय गॉड बिल्कुल झूठी बोल रही, मैंने सिर्फ इसीलिए कॉल की, मैंने कभी कॉल नहीं मिलाई है, फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है। मैं चाहती हूँ कि आप भी करें, काफी टाइम बाद आपको मॉर्निंग शो में देखा मैंने। चले मैं इंशाल्लाह ताला, और आपकी बातें इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, मैं आपको रेडियो में भी सुनती रही हूँ। तो आप मतलब इंसान अगर बहुत अच्छी बात, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इंसान इतना अपसेट होता है और इतना एकदम से एनर्जी मिल जाती है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझसे वो बात नहीं की जा रही क्योंकि मुझे आपको देख के इतनी एनर्जी आ जाती है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। आई थिंक जहाँ तक एनर्जी का सवाल है तो ये बात आपकी सही है कि एनर्जी तो हम में है, लेकिन वो हमारी पूरी टीम के अंदर है, वो पूरे जियो के अंदर है, वो पूरे जियो एज एन इंस्टीट्यूशन उसके अंदर है। जाको पाकिस्तान से शुरू होती है और बिल्कुल लेट नाइट मेरे शो तक जाती है और उसके बाद दोबारा से ये एनर्जी रिपीट होने लगती है। आई थिंक हमारा जो पूरा फोकस है, पूरे चैनल का जो फोकस है कि हमें पाकिस्तान को तब्दील करना है, पाकिस्तान को बदलना है, पाकिस्तान की सुबह को खुशगवार बनाना है, इसीलिए उठो जाको पाकिस्तान आया, पाकिस्तान की रातों को खूबसूरत करना है, शामों को दिलफरेब करना है। एंड ऑफकोर्स आप जो हमारे शोज देखते हैं, आप जो हमारे इवनिंग शोज देखते हैं, जो टॉक शोज देखते हैं, वो सब के सब इसी का होते हैं। यार ये तुम जिप का बड़ा अजीब सा शॉट ले रहे हो, लेकिन कोई नहीं, मैं भी ऐसे करके बैठ जाता हूँ। ओके हाँ, ये हिलता है थोड़ा सा सोफा, आदमी से मॉर्निंग शो की प्लीज को, आप लोग वो मैं कन्वेंशनल मॉर्निंग शो नहीं कर सकता। देखिए जी, आई डोंट लुक गुड, आई डोंट ड्रेस नाइस, मैं ड्रेसेस के बारे में बात नहीं कर सकता, मुझे मेकअप के बारे में कोई टिप नहीं आती, मैं तो सीधी सीधी लाइफ के बारे में बात करूंगा। लाइफ इन इटसेल्फ एक इंस्पिरेशन होती है, जिंदगी में मोटिवेट होने का कोई ना कोई पर्पस तलाश कीजिए, खुद मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। हमारे माशरे में जो सबसे ज्यादा कमी है वो इस बात की, अच्छा कोई लेक्चर नहीं है बट सच्ची बोल रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा जो कमी है वो इस बात की, हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, हमको किसी ना किसी, हम किसी लम्हे के इंतजार में होते हैं, किसी हादसे के इंतजार में होते हैं। इंतजार मत कीजिए, एक चाय के कप के लिए एक्साइटेड हो जाइए, सच बता रहा हूँ, हो सकता है ये बात सिर्फ आप ही पैदा कर सकते हैं। आपको किसी साहिर लोधी की, किसी उठो जागो पाकिस्तान की, किसी साहिर लोधी शो की, किसी और चीज की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं, गेट अप एंड डू एंड जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। एक ब्रांड है जिसका लोगो है और जिसका जो मोटो है वो ये है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। खड़े हो जाएं, मत सोचिए और कर दीजिए। खुदा गवाह में एक जुमला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक डायलॉग था कि अगर सोच गहरी हो जाए तो फैसला कमजोर हो जाता है। सोच का गहरा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी गहरी ना हो कि वाकई आपके फैसले को कमजोर कर दे। और ये जो तुम बाहर लोगों से पूछ रहे हो कि तुम कैसे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम किस किस्म के आदमी हो? मैं लिंक दे रहा हूँ, तुम पूछ रहे हो लोगों से, मनान बैठ के पूछ रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक ठीक लग रहा हो तुम, कोई मसला नहीं। डिस्ट्रैक्शन छो, अच्छा ब्रेक दे दे, नहीं दे रहा मैं, तुम क्या कर लोगे? मैं ब्रेक ही नहीं दूंगा, अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे क्या तुम? अच्छा वो कह रहे हैं इन लोगों के कमर्शियल ड्रॉप हो जाएंगे, प्लीज जाइए ब्रेक पे जाइए, अभी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, अभी मिल रहे हैं।